और मेलकोटे में, नंजनगुड़ में, श्रीरंगपटन में, श्रृंगेरी टेंपल में, ये सब जो है ये टेंपल्स को जो है बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं टीपू सुल्तान। यहाँ तक के आज उसका तुम्हारे को लाइव एग्जांपल है, श्रृंगेरी मठ में आज भी टीपू आरती, टीपू के नाम से एक आरती होती है, टीपू आरती बोल के जिसको बोलते हैं। अगर टीपू सुल्तान इतना ही विरोधी थे, हिंदू के विरोधी थे और हिंदुस्तान के विरोधी थे और मुस्लिम देश बनाने का सोच रहे थे, तो आप लोगों को आज सोचना पड़ेगा कि ये रॉकेट बनाने वाले, रॉकेट दिखाने वाले कौन थे उस टाइम में। रॉकेट बोल के दिखाए सो टीपू सुल्तान, वो KRS डैम जो है उसकी सोच रखने वाले कौन थे। हम टीपू की बस्ती वाले हैं, हमने कभी डरना नहीं सीखा। हम मुसलमान हैं, हमने कभी डरना नहीं सीखा। गर्दन कटवा लेंगे पर गुलाम बनना नहीं सीखा। बीजेपी वालों का तीन ही मकसद है, उनकी पार्टी चलाने के लिए तीन ही मकसद है, एक झूठ बोलो, वही झूठ को जोर जोर से बोलो, और तीसरी बात वही झूठ बार बार बोलो जब तक वो सच ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर खुसरो। 20 तारीख को हम एक प्लान डिसाइड कर को ही सब हमें यूथ पूरे मिल को प्रोटेस्ट करना और बोल को प्लान कर को ही उसके वास्ते अब 20 तारीख को सब हमें जमती जम को उससे पहले हुआ तभी हमें प्रोटेस्ट पॉइंट को प्रोटेस्ट करती है। हमारी एक गुजारिश है, हम ना उसमें साथ दे को इस चीज को उस जल्द से जल्द रुकाने की कोशिश करना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौफिल अहमद, मैसूर सिटी यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा प्रेस मीट करने का मकसद ये है, कई दिनों से मैसूर सिटी में बीजेपी और RSS वाले मिलकर शहीद रहमतुल्लाह अलैह टीपू सुल्तान के ऊपर रॉन्ग एलिगेशन और उनकी रॉन्ग स्टोरी बना रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो कि नाम अड्डा श्री कार्यप्पा, तो 14 नवंबर उन्होंने एक बुक लॉन्च किया है टीपू निजावादा कनसुगड़ो करके, इसमें पूरा रॉन्गली मैसेज देके है, टीपू सुल्तान के बारे में पूरा रॉन्ग इमेज फैला के है। इसीलिए हम 14 नवंबर को हमारे पुलिस कमिश्नर ऑफ मैसूर और DC मैसूर डिस्ट्रिक्ट के, उनको हमने एक लेटर दिया है कि और जो 20 तारीख को नाटक होने वाला है उसे स्टॉप करने के लिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी वाले कहना क्या चाह रहे, लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाह रहे, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज करना चाह रहे ये चंद लोग मिलके, या लोगों के दिमागों में कम्युनलिज्म भरना चाहते हैं। ये अड्डा जो है ना, ही इज नॉट ए हिस्टोरियन, ही इज फ्रॉम RSS बैकग्राउंड। ये टीपू के बारे में बुक लिखने वाला इसे कौन परमिशन दिए, कौन अथॉरिटी दिए, हु इज ही? ये अड्डा जो है ना, ही इज बिलोंग फ्रॉम RSS। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं इधर हिंदू मुस्लिम क्रिस्ट सिख ईसाई पूरों का देश है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में सही का सभी का खून शामिल है। हजरत टीपू सुल्तान का खून शामिल है, बाबा साहेब अम्बेडकर का शामिल है, भगत सिंह का शामिल है, सभी का अशफाक उल्लाह का शामिल है, सही का सभी का शामिल है। आजादी के टाइम को तो ये आजादी के लिए लड़े नहीं, जो कि बीजेपी की गुलामी करते थे, इसीलिए इनको टीपू सुल्तान की बगैर गोडसे के ऊपर बुक लिखना चाहिए। तलवे चाट रहा था ब्रिटिश के, वो गांधी जी के खिलाफ काम कर रहे थे, गांधी जी को हत्या किया, फादर ऑफ नेशन को हत्या किया, फर्स्ट टेररिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए नथुराम गोडसे। व्हाई डोंट दे राइट ए बुक ऑन नथुराम गोडसे? वो क्यों नहीं लिखते बुक? देखो माहौल कैसा हो के थोड़े सालों से, 8 साल से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आके, जो फादर ऑफ नेशन को मारा है उसकी नोट में उसकी फोटो छापने के लिए कह रहे हैं, और जो फ्रीडम फाइटर जो कि हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलके 4th Anglo-Indian War तक लड़े, 1st Anglo-Indian War, 2nd, 3rd, जो कि 3rd Anglo-Indian War में टीपू सुल्तान ने अपने बच्चों को ब्रिटिश, उनको जो जंग की कीमत अदा करने नहीं हुआ उनको बच्चों को गिरवी रख चुके थे, और 4th में शहीद हुए थे। ऐसे कौन से बादशाह है जो जंग में लड़के शहीद हुए थे? तो मैं कहता हुआ जो 20 तारीख को इन्होंने ड्रामा करने जा रहे हैं, अगर से वो ड्रामा स्टॉप नहीं किए तो हम और स्ट्रांग एक्शन लेंगे, अभी हम खामोश बैठने वाले नहीं है। ये सब इलेक्शन गिमिक है, ये हिंदुओं को भी समझ में आ गया है, मुसलमानों को भी समझ में आ गया है, सभी लोगों को समझ में आ गया है, और हमारा एक्शन इसके ऊपर लगातार चलता रहेगा। इसके ऊपर हम चर्चा करके और भी इसके ऊपर हम प्रेस मीट करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह।
आगे हमारे दोस्त मोहम्मद अब्रार और मीर खुसरो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्रार मोहम्मद। अभी जैसा हमारे दोस्त नौफिल अहमद ने बताया है, मैं कुछ चीज़ जो इसमें ये किताब में जो है पॉइंट आउट किए हुए हैं, जो गलत बताए हैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले तो ये जो है इसमें पहले सबसे गलत चीज़ जो बताई है क्या है बोले तो, इनको टीपू सुल्तान को हिंदू, दो हिंदू उनको मारे हैं बोल के इसमें बताया गया है, इसमें लिखा है बुक में। लेकिन जहाँ की आप हिस्ट्री देखने गए तो हुसैन किरमानी जो टीपू सुल्तान के टाइम में हिस्टोरियन थे, वो जो बताए हैं और उनके हिसाब से जो है वो हिस्ट्री को हमको मानना है, या फिर ये अडंडा जो आजकल का ये आरएसएस का जो आदमी है इसको हमको मानना है, ये देखना पड़ेगा। इसमें जो है लिखा हुआ है, और यहाँ तक के ब्रिटिश खुद एक उनकी हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है उसमें ये बताते हैं कि जैसे ही उनको पता चला कि टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो उन्होंने वर्ड्स में बताया था कि ये आज हिंदुस्तान हमें मिल गया बोल के। तो इतना डर खौफ टीपू सुल्तान का उनको था। और दूसरी बात क्या है बोले तो, इसमें जो है हैदर अली के बीवी जो फातिमा थे, वो जो है जब हैदर अली का इंतकाल हो गया था उस टाइम में, वो उनके ख्वाब में आके फातिमा जी को बोले थे कि ऐसा टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी हो गए हैं, बहुत सारे इनको मार रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, टेंपल्स को तोड़ रहे हैं, आप जाके उनको समझाओ बोल के बोलने का ऐसा कुछ जिक्र हुआ है इस बुक में। मेरा सवाल ये है कि जब ये जिक्र हो रहा था तो अडंडा कार्यप्पा कहाँ था? क्या फातिमा जी के उनके ख्वाब में था? और दूसरी बात जो है, ऐसे ही एक और जो बात बोली है इसमें जो है, ये भी लिखा है कि ये हिंदू विरोधी थे। अभी हिंदू विरोधी और ये पूरे सब लोगों को मुसलमान बनाने वाले अगर होते तो इनकी खुद की मिनिस्ट्री में 6 से 7 जो है वो हिंदूज ही थे, मिनिस्टर्स उनके हिंदूज ही थे। तो सबसे पहले तो उनको मुसलमान बनाना था, क्यों नहीं बनाए? तो ये चीजों को जो है एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके एक फिक्शनल एक्ट जैसे बना के, ये जो है अभी सरकार बीजेपी की है और इलेक्शंस नजदीक में है तो इसके हिसाब से ये चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं है। और क्या है बोले तो, ये एक सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम बनाने का मकसद इनके पीछे क्या है, टीपू सुल्तान को जो है आने वाली नस्ल को एक गलत प्रोजेक्शन। टीपू सुल्तान जो है एक बहुत शैतान थे, हिंदू विरोधी थे बोल के इस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इनके, इसके पीछे यही इनका देखिए है। अभी परसों हाल ही में कल्या परसों में एक रघु बोल के एक पब्लिक सभा में खड़के बोलता है कि क्या तनवीर सेठ हमारे एमएलए को डायरेक्ट बोल रहा है कि उनको 6 और 6 भी 3 की खबर में उनको ये कर देगा बोल के थ्रेटन कर रहा है। तो मैं इसी चैनल की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, तनवीर सेठ इज अ लीडर ऑफ मासेस, उनको जो है टच करना बोले तो भी बहुत सोच समझ कर आना है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ एक मुसलमान एक तबके की बात नहीं है, इनको जो है ये सारे सेक्युलर माइंडेड पीपल और माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लास पूरे सब लोगों के लीडर है तनवीर सेठ। तनवीर सेठ के साथ हम खड़े हुए हैं, हम रहेंगे, वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। जो भी ये जो दिया गया है स्टेटमेंट, इसको जो है गवर्नमेंट सीरियस नोट पे लेके उसके ऊपर केस बुक करके उसको इमीडिएट अरेस्ट करना है। और इसकी जानिब से हम लोग जो है हमारे वालिद शौकत पाशा जो है वो एक कंप्लेंट भी बना रहे हैं जो हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में देने वाले हैं। संविधान के हद तक जो भी हमारे हुकूक है उसको जो है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे और हम कंप्लेंट्स भी लॉन्च करेंगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है डीआईजी साहब से, कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, ये जो सेक्युलर आज का माहौल है मैसूर के अंदर इसको ना बिगाड़े और इस ऐसे रघु जैसे आदमी को इसको जो है इमीडिएट अरेस्ट करें। और जो ये रघु जो बोला ना 3x6 के इसमें करे बोल के, ये जो अडंडा कार्यप्पा है ना इसको लेके जाके डालो उसमें पहले।
तो ये बोलते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ।